ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल मुस्कान। एक रूमर्स फैल रहे हैं, हालांकि कंफर्मेशन भी है हमें कि आप बिग बॉस में जा रहे हो, बट हम आपसे जानना चाहेंगे आप कितने एक्साइटेड हो और ये प्लानिंग कब स्टार्ट हुई कि आप बिग बॉस के घर में इस बार एंटर करने वाले हो सीजन 18 में। सबसे पहले तो मैं बहुत 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 एक्साइटेड हूँ और प्लानिंग तो काफ़ी टाइम से चल रही थी कि आए पिछली बार भी बात हुई थी बट नहीं हो पाया, बट इस बार हमने सोचा कि चले ही जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स सलमान सर हैं तो उनसे मिलने की एक्साइटमेंट बहुत है। जैसे कि पिछले बार आपने बात किया तो कहीं ना कहीं ये भी रूमर्स था कि सलमान सर होस्ट नहीं करने वाले हैं बिग बॉस, कहीं इसकी वजह से तो ये नहीं था कि नहीं जाना है अब हमें। ये भी हो सकता है क्योंकि मैं सलमान सर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं सच्ची में उनसे मिलना चाहती हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वाओ मुस्कान, जैसे कि बिग बॉस इतना कॉन्ट्रोवर्सियल शो है, वहाँ पर मेंटली फिजिकली हर तरीके से हमें प्रिपेयर होना पड़ता है, यू नो, तो क्या प्रिपेयर हैं, तैयारी है आपकी पूरी तरीके से? किस तरीके से रहने वाली हैं आप उस घर में, क्या कुछ करने वाली हैं? एक्चुअली मेरे लिए बहुत ही नया एक्सपीरियंस है क्योंकि पहली बार कोई रियलिटी शो कर रही हूँ और शुरुआत ही बिग बॉस के साथ हो रही है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और तैयारी भी चल रही है साथ साथ। मैं मतलब काफ़ी लोग मुझे घर में ही बहुत सजेशंस दे रहे हैं कि तू ऐसे रहना, ऐसे करना, वो करना, वो करना, बट आई थिंक मैं जितना नेचुरल रह सकती हूँ वो कोशिश करूँगी और चाहूँगी कि लोग मुझे पसंद करें। बिग बॉस के इस बार सीज़न में बहुत ऐसे बड़े बड़े नाम भी आ रहे हैं, काफ़ी अडल हैं, काफ़ी बड़े हैं आपसे होने वाले हैं, कहीं ना कहीं आपको इन मैच्योरिटी का टैग भी लगेगा ही लगेगा। मुस्कान मैं पहले से बता रही हूँ, सॉरी फॉर दैट, बट इसके बावजूद कहीं ना कहीं हमने पिछली बार सुम्बुल को देखा था, कहीं ना कहीं वो वीक हो गई थी, बट मैंने जहाँ तक आपको देखा है, आपके शो से देखा है, आप बहुत ही स्ट्रांग हो और मुझे लगता है कि अगर आप बिग बॉस में अपने रियल फेस के साथ रहते हो, फेस के साथ, तो कहीं ना कहीं आप ट्रॉफी तक भी लेफ्ट कर सकते हो। आई विश। तो ये भी जानना चाहेंगे कि पैकिंग हो चुकी है ऑब्वियसली, अब बहुत नजदीक आ चुका है। एक्चुअली पैकिंग ऐसी चीज है जो लास्ट मोमेंट तक चलती रहती है, तो अभी थोड़ा बहुत मैं कह सकती हूँ थोड़ा बहुत पैकिंग हो गया है, बाकी इन प्रोसेस है। आपके क्लोज फ्रेंड भी रियलिटी शो कर चुके हैं, सो उनके साथ में कोई टिप्स उनके जरिए आप तक पहुंचा है कि यस? नहीं अभी तक, वैसे मैंने खुद ने तो अभी तक किसी को नहीं बताया है और हाँ मतलब इस बारे में किसी से बात नहीं हुई है, घर वालों को ही ज़्यादा पता है और मेरे फ्रेंड सर्कल में भी ऐसा कोई है नहीं जिसने बिग बॉस किया हो। सुम्बुल अच्छी दोस्त है लेकिन उससे भी उतनी बात होती नहीं है मेरी, तो उससे भी मैंने बताया नहीं अभी तक। सो मैं ये जानना चाहूँगी पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, क्योंकि पेरेंट्स तो ऑब्वियस है कि इन सब चीज़ों से जानकारी है उनके पास। हाँ तो उन्होंने आपको क्या बोला? वो एक्चुअली मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं मुझे वहाँ देखने के लिए, क्योंकि मैं कभी भी अपनी फैमिली से अलग नहीं रही हूँ, तो उनको ये एक्साइटमेंट है देखने की कि मैं वहाँ पे कैसे रहती हूँ, क्या करती हूँ, यू नो, कैसे सब हैंडल करती हूँ, तो वो लोग बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश हैं एक्चुअली। वाओ, खाने बनाने आते हैं उस टाइम? मैं चाय एक एक चीजों के लिए बहुत फाइट करना पड़ता है। मैं चाय बना लेती हूँ और थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, बट थोड़ा बहुत बेसिक चीजें जो है वो मुझे आती है। वाओ, मेरा सवाल ये रहेगा, थोड़ा सीरियस वाली सवाल करने जा रही हूँ, क्योंकि ये रहेगा कि जैसे कि फाइट होते हैं उस घर में, आप इससे पहले कोई शो देख चुके हैं बिग बॉस के रिलेटेड? मैंने कुछ कुछ एपिसोड्स कहीं कहीं के ऐसे देखे हैं। तो आप मतलब डर तो होगा ऑब्वियस कि वहाँ के लोग कैसे रहेंगे? डर तो नहीं है बट मैं बस ये कहूँगी कि मेरे लिए नया है ऑफकोर्स, क्योंकि यू नो ऐसे लड़ाई झगड़े भी मैंने कभी इतने देखे नहीं है जैसे बिग बॉस के घर में होते हैं चीज़ों को लेके। तो मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि यू नो कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिलेगा और देखते हैं झगड़े कैसे होते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, किन किन के बीच में होते हैं। वाओ, इससे पहले मैं आपके शो के रिलेटेड भी थोड़ा सा बात करना चाहूँगी, क्योंकि इस समय हमने हाल ही में मदालसा का इंटरव्यू किया, वो भी शो से क्विट हो चुकी हैं, निकल चुकी हैं, बट हर कोई अनुपमा से इस तरह निकल रहा है, बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंगली ऑडियंस को लग रहा है। बट अब मैं आपसे जबकि फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ, तो मैं जानना चाहती हूँ कि जब आपने शो को छोड़ा था, किस वजह से छोड़ा था, कुछ ब्रीफ करना चाहेंगे आप?
हाँ, मैं जैसा कि हमारा शो लीप ले रहा था, तो लीप के बाद जो पाखी का कैरेक्टर है उसमें एक उसका एक बेबी दिखाने वाले थे और मैं उस चीज़ से कंफर्टेबल नहीं थी, तो इसलिए मैंने शो को छोड़ा. इससे पहले भी रियलिटी शो के ऑफर तो शोज के ऑफर तो आ चुके होंगे जी, बट आपने बिग बॉस के लिए क्या कुछ? हाँ, क्योंकि टीवी शो बहुत कर लिए, थोड़ी मूवीज की है, एड्स की है, लेकिन रियलिटी शो आज तक नहीं किया था, तो हमने सोचा कि इस बार ये करके देखते हैं. वाह, तो सब मैं ये जाना चाहूँ, फर्स्ट टाइम जब सलमान सर से आप मिलोगे तो क्या कहोगे आप? मैं यही कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं. मैं कहूँगी कि आप बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन हैं और वी लव हिम एक्चुअली, हम सब उनसे बहुत प्यार करते हैं. कोई ऐसी चीज़ लेके जाने वाली हैं मुस्कान? हर कोई जब जाता है अपनी बहुत प्यारी चीज़ बिग बॉस हाउस में लेके जाता है, इवन कि ताकि मैं उसमें टिकी रहूँ और मुझे जब याद आए तो मैं उसे देख के देखती रहूँ. आपकी कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आप लेके जाने वाली? मैं बस क्योंकि हम घर में रहेंगे और मैं अपनी फैमिली को देख नहीं पाऊँगी, उनसे मिल नहीं पाऊँगी, तो मे बी अ फैमिली फोटो. वाओ, फैमिली फोटो. जी, तो लास्टली ये जानना चाहूँगी, ऑडियंस को क्या कुछ कहने वाले हो आप जब बिग बॉस के अंदर जा रहे हो? बहुत सारे सपोर्ट और प्यार की जरूरत होती है. मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अभी तक जितना भी आपने मुझे सपोर्ट और प्यार दिया है उसके लिए थैंक यू, और आगे भी प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिए. और बिग बॉस ऐसी जगह है जहाँ पे मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत बहुत पड़ेगी, आपके प्यार की ज़रूरत बहुत पड़ेगी, तो प्लीज़ मेरे लिए वोट कीजिएगा. थैंक यू. थैंक यू. हमारा एक वन ऑन